गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी जो क्लास है वो लेक्चर नंबर 17 है, ठीक है। और आई होप जो अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है विषय में किसी भी प्रकार की, तो आप लोग मैसेज करके, मेरा जो रवि नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पे जो नंबर है, ठीक है, मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। अगर अभी तक पढ़ाया है वहाँ कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, कल हमने पढ़ा था एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में ही हम थोड़ा डिटेल में चल रहे हैं। एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी से नहीं चल रहे कि हमारे पास टाइम बहुत है और सिलेबस की चिंता नहीं करनी है, सिलेबस आराम से कंप्लीट होगा, ठीक है। हम लोग एमीटर काफी बारीकी से देखा कि एमीटर में और वोल्टमीटर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्या ऐसी चीज है जो एमीटर में रिक्वायर्ड है और ऐसी क्या चीज है जो एक वोल्टमीटर में होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ग्लिम्स आपको देता हूँ। एमीटर के लिए क्या हमने देखा था कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, कुंडली है, क्वाइल है, एमीटर की जो कुंडली है उसकी क्वाइल है, उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। और हमेशा एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं इसके सर्किट के, इलेक्ट्रिकल सर्किट के, ठीक है। और वोल्टमीटर में हमने ये देखा था कि वोल्टमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको आंतरिक प्रतिरोध भी कहते हैं, कुंडली को जो कुंडली का रेजिस्टेंस है उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो यह जो इसका प्रतिरोध है वोल्टमीटर का वो हमेशा ज्यादा होता है, और वोल्टमीटर को हमेशा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये सब कहानी आपको स्पष्ट हो गई, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। चलो, अगर ये क्लियर है आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर। क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर इसको कहते हैं इसका वर्गीकरण। ठीक है, अच्छा एक चीज बता दूं, यूनिट नंबर 3 हम खत्म करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो चीजें थी जैसे इसमें मूविंग आयरन था, मूविंग कॉइल था, वो हम पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ ये जैसे ही खत्म होगा तो एक टॉपिक होगा, वो होगा सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर टॉपिक है, उसको देखेंगे। और ये चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, ये भी चैप्टर हमारा फिनिश, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे आज का हम क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर, ठीक है। चल लिखो कि एमीटर और वोल्टमीटर को, एमीटर व वोल्टमीटर को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है, हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा साथ में लेके चलेंगे क्योंकि मुझे भी उतनी ही समस्या है थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी में हिंदी वाली, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो बेसिक अपनी एजुकेशन किया था इंजीनियरिंग का तो वो इंग्लिश में ही था,
इसके लिए थोड़ा सा चल लो, इसको कहते हैं बेटा मूविंग आयरन। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, मतलब जो हमारा परसों का लेक्चर था, इससे लेक्चर नंबर 15 था, जहां मैंने सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट और को क्लासिफाई किया था। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बताया था। और उस इंडिकेटिंग में मैंने बताया था कि मूविंग आयरन है, मूविंग कॉइल है, इलेक्ट्रिक वायर है, हॉट वायर है, ठीक है ना, जिनसे हम एमीटर भी बनाते हैं और वोल्ट मीटर भी बनाते हैं। तो उसी को आज थोड़ा सा हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि चल रहा मूविंग आयरन यंत्र, मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। चल लो प्रारूप, चल लो प्रारूप या प्रारूपी, चल लो प्रारूपी या मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ रखा है, ठीक है। हम थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, जैसे हमको पढ़ना कैसे सिलेबस में क्या है कि पहले आपको ये बताया जाएगा कि एमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, तो मैंने ही पहले आपको मूविंग आयरन को बाद में बताया गया है, लेकिन मैंने आपको मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल आपको पहले पढ़ा दिया है, जिससे जब हम एमीटर और वोल्टमीटर पढ़ रहे हैं हमारे दिमाग में जो पिक्चर है वो क्लियर है कि एक अगर मूविंग आयरन है तो मूविंग आयरन कैसा होता था। मूविंग आयरन थोड़ा याद करो कैसा होता था, अगर छोटी सी कहानी याद आ रही हो तो मूविंग आयरन के साथ ये था कि देखने में तो ऐसे ही होगा, मूविंग आयरन के साथ था कि एक हमारा इस प्रकार से ऐसे कुछ था ना बेटा, याद है, आई थिंक डायग्राम क्लियर है, नहीं क्लियर, रफ डायग्राम बना रहा हूं बस समझने के लिए, ड्रॉ मत कर लेना, ठीक है। रफ डायग्राम है, ऐसे कुछ हुआ करता था मूविंग आयरन स्ट्रक्चर। ये क्या था, ये कॉइल थी बेटा, याद करो कुंडली कॉइल की हम बात कर रहे हैं ना, ये मीटर का कॉइल का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, वोल्टमीटर का ज्यादा होना चाहिए, ये वही कॉइल, ये कॉइल है और यहाँ पे है स्पाइंडर, एक आयरन की स्ट्रिप, ठीक है, यहाँ पे है एक आयरन की स्ट्रिप, ठीक है, आयरन की स्ट्रिप है और इस आयरन की स्ट्रिप से कनेक्टेड एक स्पाइंडल, एक स्पाइंडल कनेक्टेड है और इस स्पाइंडल से कनेक्टेड है एक हमारा पॉइंटर। तो मैंने बताया हुआ है कि आयरन की स्ट्रिप जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, उस पे एक अट्रैक्शन होगा, एक आकर्षण होगा, ये अट्रैक्शन टाइप का आकर्षण का रूप होगा, ये आकर्षण प्रकार का था, अट्रैक्शन टाइप जिसे कहते हैं बेटा इंग्लिश में। चीजें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि बार बार ये चीजें आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको हमेशा एग्जाम में मिलेंगी। आकर्षण प्रारूपी था, अट्रैक्शन करता है, एक ऐसा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, होता क्या था, इस क्वाइल में करंट फ्लो करती है, जिससे यहाँ पे इस क्वाइल में करंट फ्लो करती है, दैट इज आई, धारा,
और धारा के प्रवाह से यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। मोटा मोटा कहानी समझ लो, एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। और इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आयरन का पीस यानी कि लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है तो वो क्या करेगा, वो मूव करेगा। तो नाम में जो मूव वर्ड का इस्तेमाल है ना, चल, और आयरन तो लोहे का, लव, आयरन क्या करेगा, मूव करेगा, मूव मतलब अपने जगह से वो मूव करेगा। तो ये जो आयरन का टुकड़ा है ना बच्चे, ये अट्रैक्ट करता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को रखते हैं तो उसमें एक आकर्षण होता है, एक अट्रैक्शन होता है। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये घूमेगा, और यहाँ पे एक्सिस से जब ये घूमेगा तो ये स्पाइंडल है ये घूमेगा, मतलब स्पाइंडल घूमेगा तो हमारा पॉइंटर रोटेट करेगा, हमारा पॉइंटर घूमेगा तो हमको स्केल पे रीडिंग मिल जाएगी। तो रीडिंग की वैल्यू हम यहाँ से स्केल पे रीडिंग देख लेंगे, इसे कहते हैं पॉइंटर। ठीक है, ये है स्पाइंडल, ठीक है, ये है स्केल। स्केल मतलब कि जिसपे आप पढ़ते हो कि मेजरमेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है, जैसे ये स्केल होता है, ठीक है ना, ऐसे स्केल होता है, ये स्केल कहानी है। अब दिमाग में प्रश्न ये आ सकता है कि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारे पास भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आकर्षण प्रारूपी और एक होता है प्रतिकर्षण प्रारूपी, दैट इज द रिपल्सन टाइप। एक होता है अट्रैक्शन टाइप और एक होता है रिपल्सन टाइप, ठीक है, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप। ये जो टाइप हमने बताया ये था आपका अट्रैक्शन टाइप, जिसमें आकर्षण होता है। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि जब करंट का प्रवाह होगा कुंडली में, तो आपको मैंने पढ़ा रखा है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है कि करंट के फ्लो से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे जो आयरन का टुकड़ा है, आयरन का पीस है, इसको वो मैग्नेटाइज करेगा, आकर्षित करेगा, और आकर्षित करेगा तो हमारा पॉइंटर घूमेगा, और पॉइंटर घूमेगा तो हमको उसका रीडिंग का मान पता चलेगा। तो इस प्रकार से अगर कोई एमीटर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसे में कोई एमीटर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक एमीटर है, ठीक है, ये एक एमीटर को दिखाई दे रहा है, इसको बेटा ए से लिख रहे हैं। तो इस प्रकार का अगर है तो हम बोलते हैं, तो दिखने में आपको मूविंग कॉइल या मूविंग आयरन या अट्रैक्शन टाइप या रिपल्सन टाइप सब समान ही लगे दिखने में, बाहर से कुछ ऐसे ही सब में होगा देखने में, ठीक है, बट जब आप इंस्ट्रूमेंट को परचेज करते हो या जो लैब में इस्तेमाल करते हो तो वहां पर जब उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी रहती है कि हम इसमें 10 एम्पियर का करंट माप सकते हैं, 220 वोल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मूविंग आयरन टाइप है, अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है, ये एक रेटिंग जब लिखी होती है तो वहां से हमको पता चलता है। रेटिंग मतलब कि जैसे आप फैन या ट्यूबलाइट या कोई बल्ब परचेज करते हो तो वहां पे क्या लिखा होता है, वहां पे लिखा होता है कि 230 या 220 वोल्ट वोल्टेज, 50 हर्ट्ज की पावर सप्लाई, ठीक है, और 100 वाट का है तो 100 वोल्टेज का सिस्टम ऐसे बना होता है ना, ये होता है रेटिंग, ठीक है, मतलब इस ये इसका अधिकतम इस पे ये वर्क कर सकता है, अधिकतम का मान इस पे ये वर्क करता है, इस पे वो एफिशिएंट तरीके से वर्क करता है। इसी प्रकार से हर इंस्ट्रूमेंट पे उसकी एक रीडिंग लिखी होती है, उसकी रेटिंग लिखी होती है, इसकी रेटिंग कुछ ऐसे लिखी होगी, तो वहां से पता चलता है कि यह किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन है, अच्छा है, मूविंग कॉइल है, ठीक है, अट्रैक्शन टाइप है, रिपल्सन टाइप है, ठीक है, तो कहानी क्लियर है। रिपल्सन टाइप में क्या होता था याद करो,
आप सोचो रिपल्सन टाइप माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करो। रिपल्सन टाइप में ये होता था, मोटा मोटा बता रहा हूँ ठीक है, आयरन के दो पीस होते थे, आयरन के ऐसे कर लो ये आयरन के दो पीस हैं, ठीक है ये और ये, एक बेटा मूविंग था, मैं रफली एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है, और एक फिक्स्ड था, एक मूविंग था एक फिक्स्ड था, जो मूविंग था उसी मूविंग से अटैच था पॉइंटर। और समझ लो कि एक साधारण सी आम भाषा में तुम्हारे पास दो आयरन के स्ट्रिप हैं, दो आयरन के टुकड़े हैं, एक आयरन का टुकड़ा जो है वो अपने जगह से स्थिर है, वो मूव नहीं कर सकता, और एक आयरन का टुकड़ा है जो अपनी जगह पे मूव कर सकता है, वो शिफ्ट कर सकता है, दो आयरन के पीस है। अगर मैं दोनों आयरन के पीस को सप्लाई हूँ मतलब करंट का प्रवाह हो और उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, दोनों आयरन के पीस में अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो भाई इसका भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा और इसका भी क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, बात समझ में। दोनों को चूंकि सेम सप्लाई दी जा रही है, सेम सोर्स दिया जा रहा है, सेम करंट का सोर्स दिया जा रहा है, तो दोनों में जो चुंबकत्व का गुण होगा, जो चुंबक की जो ध्रुवता होगी दैट इज पोलैरिटी होगी, वह भी समान होगी। मतलब अगर एक पीस ये है और एक पीस ये है, अगर यह नॉर्थ है तो यह भी नॉर्थ होगा, अगर यह साउथ है तो यह भी साउथ होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आयरन के जो टुकड़े हैं वह एक ही सप्लाई से है, एक ही सोर्स ऑफ करंट से, एक ही सोर्स में होने के कारण दोनों में क्या होगा, पोलैरिटी सेम होगी, इसकी पोलैरिटी भी सेम होगी, ये भी चुंबकीय क्षेत्र है। तो आपको पता है कि सेम जो पोलैरिटी होती है, एक ही प्रकार के जो पोलैरिटी होती है, वह दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, ये इसको ढक्का लेगा, ये इसको ढक्का लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक शब्द प्रतिकर्षण। ये सब मैंने बता दिया है बट रिवीजन थोड़ा सा आपका हो जाएगा। प्रतिकर्षण इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्सन। मोटा मोटा समझने के लिए ऐसे एग्जांपल बना के ना, ये तो बोलिए क्लियर है, थोड़ा ऐसे ही रहेगा। दोनों चूंकि सेम पोलैरिटी के हैं, तो सेम पोलैरिटी में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब मान लो कि ये बेटा फिक्स्ड है, फिक्स मतलब कि यह मूव नहीं करेगा, और ये क्या है, मूवेबल है, यह घूम सकता है, और जो घूम सकता है इसी से अटैच है मान लिया हमारा पॉइंटर निडल, तो भाई क्या होगा, यह इसको ढक्का देगा, यह तो फिक्स है, बट जब यह इसको रिपेल करेगा तो हमारा पॉइंटर क्या होगा, पॉइंटर हमारा ये वाला हमारा आयरन का पीस मूव करेगा, और ये आयरन का पीस मूव करेगा उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल जब लगेगा तो ये हमारा मूव करेगा, पॉइंटर हमारा मूव करेगा, ठीक है, कहानी समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो मैंने समझा दिया, थोड़ा लिखना भी चलेंगे साथ में, ठीक है। इसमें लिखो के आकर्षण
प्रारूपी और जी दो प्रकार के होते हैं ना बेटा, मूविंग आयरन प्रतिकर्षण जो मैंने अभी बताया, प्रतिकर्षण प्रारूपी अट्रैक्शन टाइप और ये होगा देखो अट्रैक्शन टाइप हुआ या रिपल्सन टाइप हुआ या दोनों, इन दोनों से हम बना सकते हैं अमीटर एंड वोल्टमीटर, मतलब ये दोनों प्रकार का होता है, मीटर भी इस तरह का होता है और वोल्टमीटर भी इस प्रकार का होता है, ठीक है। यहां भी सेम चीज, तो ऐसे लिखना कि चल लो जो है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट प्रारूपी में हमारे पास जो है वो दो प्रकार के हैं। पहला है कि आकर्षण प्रारूपी इंडक्शन टाइप, दिखना है कि एमीटर और वोल्टमीटर इन दोनों से हम एसी एंड डीसी दो, ठीक है, एसी तो कैसे लिखोगे इसी लाइन को, थोड़ा सा भाषा में लिखेंगे कि आकर्षण प्रारूपी अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर की तरह प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एमीटर तथा वोल्टमीटर की तरह प्रयुक्त करते हैं, या एसी और डीसी दोनों मार्ग के लिए उपयुक्त है। उसी प्रकार से प्रतिकर्षण प्रारूपी इंस्ट्रूमेंट हमारा एमीटर व वोल्टमीटर के लिए यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तथा यह एसी व डीसी, यह भी एसी और डीसी दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। अपनी भाषा में इसको आप लोग कन्वर्ट करके लिख लेना, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, मान लो ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन बनता है तो कह दिया कि इनमें से कौन सा मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, एग्जांपल जैसे दे दिया, ठीक है, तो दे दिया कि फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर पहला ऑप्शन, दूसरा एमीटर, सेकंड थर्ड ऑप्शन वोल्टमीटर, ऑप्शन डी दे दिया ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो जब इंस्ट्रूमेंट की हमको क्वालिटी पता होगी, इंस्ट्रूमेंट का बेसिक्स पता होगा, ऑब्जेक्टिव भी जब आप सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, पुराने जो भी पेपर जो आप देखोगे तो वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे, ये आपको आसानी से कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ लिया है, ठीक है, एमीटर वोल्टमीटर दोनों के लिए, मतलब दोनों ऑप्शन हमारे पास है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा होता, इतने अच्छे से आपने नहीं समझा होता, तो आप पूछते और इसमें और भी कुछ दे देता, ये आप करना मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो बेसिस का ये फायदा होगा, आप समझ लोगे कि हमारा जो मूविंग आयरन है, अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, या बोथ एमीटर रख लेना है, वोल्टमीटर के लिए है, या एसी और डीसी दोनों के लिए कार्य करता है, क्लियर है। सेकंड लिखना, जैसे ये फर्स्ट था ना, सेकंड है चल कुंडली क्रियांतर, हिंदी में नाम भी बड़े मस्त है, बहुत अच्छा।
सेकंड है चल कुंडली रुपया मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद करो पीएमएमसी परमानेंट, पी फॉर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, स्थायी चुंबक का समीकरण, मतलब स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र, ठीक है, स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये मैंने आपको बताया था, तो लिख लो इसके सामने यह भी दो प्रकार का होता है ए और बी। पहला है स्थायी चुंबक प्रारूपी, इंग्लिश में परमानेंट मैग्नेट टाइप, और दूसरा है डायनेमोमीटर टाइप, डायनेमोमीटर डायनेमोमीटर टाइप डायनेमोमीटर। इंग्लिश में डायनोमीटर टाइप, ठीक है। देखो जो मूविंग क्वाइल होता है चल कुंडली मूविंग क्वाइल, इसमें क्वाइल मूव करता है, ठीक है, प्लग अपना क्वाइल ही मूव करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं यहाँ पे पीएमसी का, होता क्या था याद करो कि कुछ इस प्रकार से हमारे पास परमानेंट मैग्नेट हुआ करता था, ये एक पोल का नॉर्थ, एक का साउथ या चुंबकीय क्षेत्र हुआ करता था, ऐसे याद है। और इसी चुंबकीय क्षेत्र में मैंने कहा कि भाई साहब अगर एक ऐसे कोई क्वाइल है, इसमें क्वाइल है और इसी से लगा है कोई पॉइंटर, तो ये स्केल है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे होने के कारण क्वाइल भी क्या होगा, क्वाइल पे बल लगेगा, F equal to BIL sin theta पढ़ा है आपने। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ये चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से हो रहा है, स्थायी चुंबक यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है वह है स्थायी चुंबक, ये जो प्रकार है स्थायी चुंबक प्रारूपी परमानेंट मैग्नेट टाइप स्थायी चुंबक, एक स्थायी चुंबक होता है। स्थायी चुंबक का मतलब कि उस चुंबक द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा है, उस चुंबक द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा है वह स्थायी है, ठीक है, वह स्थायी है, मतलब वह फील्ड चेंज नहीं होगा, वह एक जैसा ही रहेगा, बहुत स्ट्रांग है या बहुत वीक है
उसको हम करंट का मान घटा के या बढ़ा के, करंट का मान घटा के या बढ़ा के बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि स्थाई चुंबक जो नेचर में मिलता है, जो प्रकृति में हमको मिलता है, उसको हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई क्वायल है, उस क्वायल में कोई करंट फ्लो कर रही है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो पता है फैराडेज का नियम, फैराडे के इलेक्ट्रो दो नियम जो हमारे होते हैं, कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ करंट कैरिंग कंडक्टर है, धारा प्रवाहित कोई चालक है, तो उस पर एक बल लगता है, ठीक है। और बल क्या लगेगा, इस पर फोर्स, इस पर टॉर्क लगेगा, बलागुण, और इस पर जब बल लगेगा तो ये मूव करेगा, जब मूव करेगा तो हमारा पॉइंटर जो है वो रीडिंग शुरू करेगा। तो मोटा मोटा ये कहानी थी, मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, मैंने इसको पढ़ा दिया था, क्लियर है। अब हाँ, डायनोमीटर टाइप मैंने बताया नहीं है, अगला टॉपिक हमारा इसके बाद होगा डायनोमीटर टाइप, उसको एक्सप्लेन करेंगे जो भी छूट गया आएगा। फिलहाल लिख लो कि ये जब लिख लिया तो लिख लो इसके लिए कि एमीटर व वोल्टमीटर दोनों के लिए इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, और इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं एमीटर एंड वोल्ट मीटर, करते हैं, दोनों की अपनी अपनी खासियत है, वो मैंने थोड़ा आपको बेसिक बताया था कि वोल्ट मीटर परमानेंट मैग्नेट और मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल में मैंने अंतर बताया था, क्या इसके मेरिट है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डीमेरिट्स है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। पहली चीज तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डीसी पे काम करता था, याद कर लो, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डीसी के लिए था, और ये जो है आपका एसी एंड डीसी दोनों के लिए है। तो परमानेंट कॉइल में भी, मूविंग कॉइल हमारे पास दो टाइप हुए, दो प्रकार हुए, स्थायी चुंबक डायनोमीटर टाइप का टाइप। यहाँ से जो हम एमीटर बना रहे हैं वो सिर्फ और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि परमानेंट मैग्नेट से जो बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीसी पे कार्य करता है, डीसी करंट या एमीटर लगाएंगे तो डीसी करंट मीजर कर पाएगा, और अगर वोल्टमीटर लगाते हैं तो डीसी वोल्टेज मीजर कर पाएगा, केवल डीसी। वहीं पे यह प्रारूपी जो है, डायनोमीटर प्रारूपी जो है, यह एसी भी करंट कर सकता है, डीसी भी करंट कर सकता है, ये दोनों कर सकता है, क्लियर है, क्लियर है, तो अच्छी बात है। अब इसको हटाता हूं, लिखना यही था कि स्थायी चुंबक प्रारूपी में एमीटर व वोल्टमीटर दोनों के लिए उपयुक्त किया जाता है, तथा इसे डीसी के लिए उपयुक्त किया जाता है, एमीटर व वोल्टमीटर के डीसी मान के लिए उपयुक्त है, चलो तीसरा है, लिखते हैं विद्युत ताप यंत्र,
ठीक है, इसको बोलते हैं विद्युत ताप को थर्मोइलेक्ट्रिक टाइप, जैसे आपका थर्मोकपल वगैरह होता है जिसे टेम्परेचर को मीजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, मैं बताऊंगा जब उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल जैसे इसमें होता है क्या, मोटा मोटा समझ लो, जैसे हमें टेम्परेचर को नापना है, टेम्परेचर है मान लो कि 2000 डिग्री सेल्सियस। अब इसको नापने के लिए क्या है कि जाके डायरेक्टली माप तो सकते नहीं, बहुत ज्यादा ये टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसको हम डायरेक्टली नहीं मीजर कर सकते, थर्मामीटर लगा के नहीं मीजर कर सकते। ठीक है, करना क्या होगा कि हमको कुछ ऐसी डिवाइस बनानी पड़ी जिससे हम ताप को विद्युत के रूप में, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में ताप को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में हम सेंस करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, जब कोई क्रिकेटर, आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट होती है तो बॉलर जो है जब बॉल को पिच करता है, ठीक है, बॉल फेंकता है तो आप देखते हो कि 140 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड होती है, 120, 140, 150 है ना, बॉलर जब बॉल को पिच करता है, फेंकता है, ये क्या बताता है बेटा, 140 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड बताता है, ये क्या बता रहा है, ये स्पीड बता रहा है। बट हम इस स्पीड को कैसे, हम स्पीडोमीटर से देख नहीं रहे, हमने क्या किया कि जब बॉल को, जब बॉलर बॉल को पिच करता है 140 किलोमीटर पर आवर, यह जो स्पीड है इसको हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जब कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे डिस्प्ले पे या जहां पे हमको मेजर करते हो वहां पे लिख के आता है 140 किलोमीटर पर आवर। तो एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो इंस्ट्रूमेंट से ही हमें चीजें पता चलती हैं। एग्जांपल लिया था मैंने, उसी प्रकार से क्या होता है कि जब टेम्परेचर मीजर करना है तो टेम्परेचर डायरेक्टली मीजर नहीं करेंगे, इस टेम्परेचर मीजर करने के लिए थर्मोकपल या थर्मोइलेक्ट्रिक टाइप के इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। मान लिया क्या क्या करेगा कि इस टेम्परेचर को इसके करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और वह डिस्प्ले होगा जिससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है। ठीक है, जब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे, अभी ये था कि दिमाग पे पिक्चर बन जाए आपके एक से भी होता क्या है, ये एग्जैक्टली ये होता क्या है ये समझ लो। ठीक है, दो प्रकार का ये भी होता है, अब मैं इसको जरा साफ कर दूं ऊपर वाले, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला है हॉट वायर टाइप एंड सेकेंड है थर्मोकपल। हॉट वायर टाइप में इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तप्त तार, तप्त तार, प्रारूपी तप्त तार, प्रारूपी, और इसको बोलते हैं ताप युग्म कपल, कपल बोल्स, जो हमारा थर्मल टाइप होता है वह दो प्रकार का होता है, हॉट वायर एंड थर्मोकपल टाइप। हॉट वायर थर्मोकपल टाइप से भी हम एमीटर और वोल्ट मीटर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों को डिजाइन करते हैं, मतलब इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा
उसको भी हम एज एमीटर बना सकते हैं और वोल्टमीटर बना सकते हैं। अगर यह इंस्ट्रूमेंट है इसको भी हम एमीटर और वोल्टमीटर बना सकते हैं। ए फॉर एमीटर एंड बी फॉर वोल्टमीटर लिख रहा हूँ, यहाँ भी एमीटर और वोल्टमीटर जैसे बाकियों में था उसको ऐसे लिखना। अच्छा, यह भी एसी एंड डीसी दोनों पे वर्क करेगा, दोनों के लिए करेगा। यह भी एसी एंड डीसी दोनों के लिए वर्क करेगा। अब जबकि क्वेश्चन तैयार हो गया ऐसे आप लिख लेना ऐसे कि एमीटर व वोल्टमीटर दोनों के रूप में एसी तथा डीसी के लिए उपयुक्त है। एमीटर व वोल्टमीटर दोनों के रूप में एमीटर तथा वोल्टमीटर दोनों के रूप में एसी तथा डीसी दोनों के लिए उपयुक्त है, उपयुक्त है। और सेम चीज इसमें भी लिख लेना, एमीटर व वोल्टमीटर दोनों के रूप में एसी तथा डीसी दोनों के लिए उपयुक्त है थर्मोकपल। तो देखो एक ही हम वोल्टमीटर एक ही वोल्टमीटर को कितने तरीके से बना रहे हैं, है ना। तीसरे में भी ये हो गया दो टाइप, हॉट वायर और तप्त वायर का थर्मोकपल। मतलब तप्त कपल को आप जानते हो यू, तो ये थर्मोकपल हो गया, ये टाइप ठीक है, क्लियर है। फोर्थ लिखो, दृष्टकारी, दृष्टकारी प्रारूपी। दृष्टकारी प्रारूपी इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे बताता हूं। चौथा ये था, पांचवा ये लिख लो इंडक्शन टाइप। इंडक्शन को लिखते हैं प्रेरण प्रारूपी। प्रेरण प्रारूपी उपयंत्र यह भी उपयंत्र है। और छठा जो है लिख लो स्थिर विद्युत उपयंत्र, लिख रहा है स्थिर विद्युत उपयंत्र। अब इसको इंग्लिश बताता हूं मैं, देखो दृष्टकारी अल्टरनेटिंग टाइप, अल्टरनेटिंग टाइप प्रेरण प्रारूपी। प्रेरण मतलब होता है इंडक्शन टाइप, चुंबकीय प्रेरण पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन टाइप। ठीक है, स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। स्थिर मतलब स्टैटिक, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। ठीक है, ठीक है, ये कहानी यहां तक खत्म थी। सबके बारे में बेसिक लाइन बस ये लिखना है कि देखो हम लोगों ने देखा मूविंग आयरन से, मूविंग क्वायल से, थर्मोमीटर थर्मोमीटर से, ठीक है, और
थर्मोइलेक्ट्रिक से मतलब अल्टरनेटिंग टाइप से, इंडक्शन टाइप से, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप से, इतने टाइप हमने देखे। यह जो इस्तेमाल होता है इससे भी हम बनाते हैं क्या एमीटर और वोल्टमीटर, इससे भी बनाते हैं क्या एमीटर और वोल्टमीटर, इससे भी बनाते हैं क्या एमीटर और वोल्टमीटर, तीनों से बनाते हैं, इधर भी बनाते हैं इधर भी बनाते हैं, ठीक है। यह जो है सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए इस्तेमाल होता है, लिखेंगे इसको दृष्टिकारी में एमीटर व वोल्टमीटर दोनों के रूप में एसी के लिए प्रयुक्त होता है। एमीटर व वोल्टमीटर दोनों के प्रारूप में एसी के लिए प्रयुक्त होता है। यह जो है बेटा आपका इंडक्शन एसी की फिनोमिना है, कॉमन सेंस से कर सकते थे, यह भी एसी के लिए होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है यह एसी एंड डीसी दोनों के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है आपके एग्जाम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है। अब एक काम करना कि लिस्टिंग कर लेना, एक लिस्ट बनाना, लिखना कि इंस्ट्रूमेंट और एसी पे है डीसी पे है इसके बारे में वो देख लेना, ठीक है। देखो दृष्टिकारी प्रकार जो है ये भी एमीटर वोल्टमीटर है, एसी के लिए काम करता है, मतलब एसी एमीटर बनाना है, एसी वोल्टमीटर बनाना है। इंडक्शन टाइप जो है, इंडक्शन की फिनोमिना ही एसी में होती है, इंडक्शन का जो गुण होता है वो एसी का ही गुण है। स्थिर विद्युत की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है, ठीक है। चार्ज की बात करो, चार्ज जब फ्लो करता है तो एसी भी हो सकता है, डीसी भी प्रोजेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। एमीटर वोल्टमीटर है, एमीटर वोल्टमीटर, ठीक है, हो गया। ठीक है, फिर इतने के लिए आज क्लास की ओवर होता है, ठीक है, चलो।